अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 55। बुक का पेज नंबर 55 ओपन करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है लाइफ इन द सॉइल। उससे पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में कि हमारे पास सॉइल क्या होती है, ठीक है, क्या हो सॉइल क्या होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि सॉइल किन चीज़ों से मिलकर बनती है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, एयर और वाटर, ठीक है। अब हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास सॉइल की टाइप्स कितनी थी। थ्री टाइप्स थी हमारे पास। कौन कौन सी टाइप थी? क्ले, सैंड, सिल्ट। और सबसे अच्छी सॉइल, बेस्ट सॉइल कौन सी थी? लोम। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है लाइफ इन द सॉइल, कि हमारे पास सॉइल में लाइफ कैसे है। अब यहाँ पे देखें, देर इज़ मच गोइंग ऑन अंडरग्राउंड एज देयर इज़ अबव द ग्राउंड, हाउ एवर द ह्यूमन आई कांट सी मोस्ट ऑफ इट। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर भी हो रही होती हैं और ज़मीन के ऊपर भी हो रही होती हैं, जिन्हें ह्यूमन आई जो है वो नहीं देख सकती। दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज इट हैपनिंग अंडरग्राउंड। ये सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि ज़मीन के अंदर कुछ हो रहा है अंडरग्राउंड, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है ज़मीन के अंदर, जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ उस वजह से नहीं होता। किस वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज सम ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की एक्टिविटीज़ की वजह से होता है कि वो क्या करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दे आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। दे कैन ओनली सीन थ्रू माइक्रोस्कोप्स, जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप्स के मदद से देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ एक्टिविटी कैन ऑनली बी सीन यूजिंग माइक्रोस्कोप्स, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। दीज माइक्रोस्कोप्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमारे पास कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई है। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को हम किसकी मदद से देख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो आप इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कौन सी एक्टिविटीज़ है हमारे पास। द एक्टिविटीज़ इंक्लूड बैक्टीरिया ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक करते हैं, सो दैट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेकर फ्रॉम दे कैन बी यूज फॉर न्यू प्लांट्स। और इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? सॉइल के अंदर दोबारा से एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सॉइल के अंदर, और वो नए प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, कि वो डिकेइंग प्लांट्स और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डिकेइंग प्लांट्स और जो हमारे पास एनिमल वेस्ट है उसके ऊपर फीड करते हैं, और उससे न्यूट्रिएंट्स लेकर वो क्या करते हैं? सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और सॉइल के अंदर जब वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट, बैक्टीरिया कन्वर्टिंग केमिकल्स दैट आर हार्मफुल टू प्लांट्स। बैक्टीरियल्स जो है वो केमिकल्स को भी कन्वर्ट करते हैं दैट आर हार्मफुल टू सम प्लांट्स, उन केमिकल्स को रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको भी क्या कर देते हैं? उनको भी मतलब कि ब्रेक करते हैं या उन रिएक्शंस को भी कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल्स को भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, आर हार्मफुल टू प्लांट, जो प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं, सच एज नाइट्रोजन इंटू न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? न्यूट्रिएंट्स में, दैट आर गुड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए जो बहुत अच्छी होती है। और बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास फंजाई। अब फंजाई भी वही काम करता है कि डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक करेगा, रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेगा फ्रॉम न्यू प्लांट्स और नए पौधों के लिए। आगे आ जाते हैं हमारे पास है नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास, फंजाई पासिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू द प्लांट्स। फंजाई जो है वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स किसको देते हैं? प्लांट्स को देते हैं, पार्टिकुलरली प्लांट्स यानी वो मखसूस पौधे ऑन द फ्लोर ऑफ द रेन फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट के फ्लोर पर होते हैं, ठीक है, फर्श पर होते हैं। दे डू नॉट गेट द सनलाइट, जो सन जिन्हें सनलाइट जो नहीं मिलती, ठीक है, जो सनलाइट गेन नहीं कर सकते, दे नीड टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जिन्हें अपनी खुराक खुद बनानी होती है, तो फंजाई जो होते हैं वो उनको डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, जो अपनी खुराक जो है जिन्होंने बनानी होती है, उनको सनलाइट नहीं मिल रही होती, तो फंजाई क्या करते हैं कि डायरेक्टली उनको क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। देयर आर आल्सो एनिमल्स लिव इन द सॉइल, बहुत से एनिमल्स हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं, वर्म्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, माइट्स, बीटल्स, स्लग्स, स्नेल्स, ये सारे हमारे पास क्या हमसे एनिमल्स हैं जो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ टू मेन फंक्शंस, अब इनके दो मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं? दे बोरिंग एंड अदर मूवमेंट्स, उनकी जो खुदाई होती है, वो जो खुदाई करते हैं, यानी कि उनकी वो जो घर बनाते हैं, खुदाई करते हैं,
तो उनकी खुदाई करने की वजह से ज़मीन में क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं ना, एंड अदर मूवमेंट्स, और उनकी मूवमेंट यानी कि जब वो मूव करते यूं यूं, अब आपने अक्सर देखता होगा यूं यूं करके मूव करके जाते होते हैं, अक्सर आपने अर्थवर्म देखे होंगे वो यूं यूं करके मूव करते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है वो बोरिंग कर रहे होते हैं, बोरिंग क्रिएट स्पेस इन द सॉयल, सॉयल में क्या क्रिएट कर देते हैं, स्पेस क्रिएट कर देते हैं फॉर एयर, वाटर के, एयर के लिए एंड वाटर, और वाटर के लिए क्या उसमें एयर भी एंटर हो सकती है और वाटर भी एंटर हो जाता है, बोथ ऑफ विच एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ, जो प्लांट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है। दे ईट डेड प्लांट्स, ये क्या करते हैं, डेड प्लांट्स को ईट करते हैं, यानी वो प्लांट्स जो ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, जो गल सड़ जाते हैं, उन प्लांट्स को वो क्या करते हैं, ईट करते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और एनिमल मैटर जो एनिमल वेस्ट होता है उसमें से भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, और वो दोबारा से उन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में डाल देते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, इन एनिमल्स को हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर समझ आ गया होगा, थैंक यू सो मच।